कविता के मानक में जिस कवित्री ने अपनी कविता को खड़ा उतारा, जिसके गीत गीता के श्लोक की तरह, मानस की चौपाई की तरह, कुरान की आयतों की तरह और वेद की ऋचाओं की तरह पवित्र है, ऐसी कवित्री को पूरा हिंदुस्तान और विश्व के वो देश जो हिंदी बोलते समझते हैं भुवन मोहिनी के नाम से जानते हैं। अनेक यात्राएं मैंने भुवन के साथ की है। एक बार तालियां बजाएं, अब हम सुनेंगे इंदौर से आई कवित्री भुवन मोहिनी को। बिल्कुल, आप आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आप अब इसी लायक बचे हैं। नदी नदी कितनी पुरानी हो, रवानी कम नहीं होती। भुवन मेरे प्रत्येक नदी कितनी पुरानी हो, रवानी कम नहीं होती, लहू जब जोश खाता है जवानी कम नहीं। जहाँ दिग्विजय जी ने बताया है कि प्रेम की उम्र तक किया जा सकता है, इनका आनंद अलग ही होता है। चार पंक्तियाँ मैं हालांकि शुरुआत कहीं और से करना चाहती थी, पर जब उन्होंने छेड़ ही दिया है, ये इस इलाके का नाम भी छेड़ा छेड़ी तो आप छिड़ो। जो आप कह रहे हो कि इस उम्र में जवानी कम नहीं होती, सुनिएगा। बताएं क्या बुजुर्गों की, बड़े इनके फजीते हैं। बताएं क्या बुजुर्गों की, बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं, उसी दिन खुल के जीते हैं। जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। इतना जल्दी मत कर, आराम से करेंगे। शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेते ये वो बुजुर्ग। तुम डायरेक्ट मेरा नाम करो। हमारे घर में सिखाया गया है कि बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं लिया जाता। बेबी ने खाना खाया। ऐसा भगवान, देखो भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी छीन कर कौन ले गया? कुंवर ले गए। काग के भाग बड़े से मिली खाली हाथ से ले गए। कबूतर निकले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी भुवन को दिया। आंदोलन समाप्त। अब देखिए ऐसा है, जो कुछ करना था। सुनिए कैसे आंदोलन समाप्त, आपकी बात पे तो नहीं होगा। हाँ। नारी शक्तियाँ यहाँ बैठी है। खुशबू कागज के फूलों से आ नहीं सकती, पानी की धार में ये नाव उल्टी दिशा में जा नहीं सकती, और मत होइए मेरे लिए परेशान इतना, हंसनी हूँ कब्बे के साथ जा रही हूँ। हर जगह पक्का मकान थोड़े है, हर जगह कब्रिस्तान थोड़े है। ये फेशियल ब्यूटी पार्लर का कमाल है, इतना जवान थोड़े है।
आपका साथ कि हम नीलाम हमें घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशान वहां गुमनाम हो जाओगे। 20 साल बाद फिर कोई पंजा पकड़ कर ले जाएगा, नजर आओगे। सबसे बड़ी बात है भुवन, इश्क की कोई उम्र नहीं होती, इश्क की कोई उम्र नहीं होती। तुम तो क्या, तुम्हारी छोटी बहन भी हमारी नजर में रहती है। देखिए ऐसा है, ये सब फिक्सिंग का मामला रहता है, इसमें कुछ नहीं होता। ये ना कवि है, कविता है, ना कवि सम्मेलन का हिस्सा है, ये सिर्फ आपको जीवन करने का एक तरीका है। भुवन बहुत अच्छी कवित्री है, हमने देश विदेश में पूरी यात्राएं की हैं साथ में। और बाकी में खूब की है और एक पारिवारिक सदस्य के रूप में की है, बहुत बढ़िया कवित्री है। ये सब तो हम लोग सभी कवित्रियों के लिए बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके, फिर वही बात दोहराता हूँ, कोई गीत नहीं गाता है, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा गाता है। कोई मामले अपना पाकर प्रारंभ कर। जब जवाब खत्म हो जाते हैं तो आदमी इसी परिस्थिति का सहारा लेता है, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। आपके बहुत प्रिय और सच मानिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार मुझे बुलाने वाला कोई व्यक्तित्व था तो आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी होते हैं। मेरा मन है कि इनके सम्मान में मेरी तरफ से आपकी तालियां बने। मैं तो पहली बार बुलाया भी और तुमको फ्लैट भी दे दिया था, पर तुम मकान बनाए नहीं। अब मैंने सोचा आपकी उम्र इतनी हो चुकी है। बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं ये कवि सम्मेलन। आदरणीय दिनेश दिग्गज जी से प्रारंभ हुआ, उनके सिर पर हाथ दो महिलाएं फेरती, आदरणीय दुबे जी बता रहे थे, कह रहे थे इसे देखो पूरे मोहल्ले ने हाथ फेर रखा है। आप आदरणीय दुबे जी को देखो, इनके बाल अभी तक सलामत है, इनके सिर पे इनकी पत्नी भी बराबर से हाथ फेर रही है। थकान निकली तुम्हारी, ये बड़े बड़े की थकान निकाल देते।
मैं सोचती हूँ कि आप थकते क्यों नहीं हैं। सुनिएगा कैसा मुझे यहाँ लग रहा है आगे, चार संख्या आप लोगों को समझती हूँ। स्वागत कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन 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 से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए तुम। आपकी ये बात बहुत अजीब सी आ रही है। सुने चार अंकियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम। एक वादा मैं आप लोगों से करके जाना चाहती हूँ कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब न होगा हमारा तुम्हारी कसम, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी सितारा हो गई
कहा बिल्कुल मैं बहुत मोहिनी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। बोला मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आज क्या रायपुर में प्रोग्राम है? मैंने कहा हाँ आज एक प्रोग्राम है रायपुर में, वहाँ पर जाना है, रेला का एक प्रोग्राम है। बोले आप कल रुकेंगी? मैंने कहा क्यों, कहिए कुछ विशेष काम है? तो बोले बस मैं आपके साथ पिक्चर देखना चाहता हूँ। वास्तविक घटना मैंने तो ऊपर से नीचे तक तीन बार देखा और मैंने कहा कि दादाजी जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तो जयमा संतोषी नहीं थे। भूख काल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूख काल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो, हो गई रे तालियां बजा रहे हैं। आपका बहुत प्रयास